हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से जॉब वैकेंसीज की। दोस्तों वीडियो में बने रहे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, और मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आप ये फॉर्म अपनी फ़ोन पर कैसे घर बैठ के फ्री में फिल कर सकते हो। ओके दोस्तों चलो चलते हैं नोटिफिकेशन पर कि नोटिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया बताया गया है। तो दोस्तों ये है इंडियन ऑयल का पीडीएफ लिंक, जो उन्होंने ऑफिशियल पीडीएफ लिंक है, और ये जॉब डिटेल का पूरा चार्ट इन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो दोस्तों आपके सामने है काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और उनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन और अलग अलग लोकेशन इन्होंने यहाँ इस चार्ट के थ्रू बताई गई है। तो यहाँ से आप एक बार अच्छे से पढ़ के अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये फॉर्म अच्छे से रीड करके फिर आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। तो जो भी मेन मेन बात है मैं आपके शो कर देता हूँ, बाकी ये जॉब डिटेल आप एक बार पढ़ सकते हो। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रीड करके एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना। बाकी और कोई मेन डिटेल मैं आपको बता दूँ तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग जो पोस्ट है उसके हिसाब से, ये 10th से लेकर ग्रेजुएशन डिप्लोमा होल्डर और जो BCom BSc वगैरह ये सब के लिए पोस्ट इसमें अवेलेबल है किसी किसी ना किसी फील्ड में। और आईटीआई क्वालिफिकेशन के लिए 10th पास जरूर होनी चाहिए। और इसके बाद हम मेन बात करें तो मेन बात बाकी एक बार आप पढ़ सकते हो। एज लिमिट की बात करें दोस्तों 18 से 24 साल की इन्होंने एज लिमिट रखी है, बट एस सी एस टी के लिए इसमें गवर्नमेंट रूल के अनुसार छोड़ दी गई है। तो मेन बात और इसकी लास्ट ये तो लास्ट डेट चलो। तो दोस्तों बाकी जो मेन डिटेल थी मैंने आपको वो शो कर दिया। इसके अलावा आप अगर खुद से पढ़ना चाहो इस पीडीएफ फाइल को अब मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो अभी चलते हैं, चलो आप बताता हूँ कि आप ये पोस्ट अपने मोबाइल पर घर बैठ के कैसे फिल कर सकते हो बिना किसी पैसे लगाए। ओके दोस्तों तो चलो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जॉब वैकेंसी हम अपने मोबाइल पर घर बैठ के फ्री कैसे अपने फ़ोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाना पड़ेगा और गूगल में सर्च करना पड़ेगा इंडियन ऑयल कैरियर। ओके दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। बाद हमें क्लिक करना है कैरियर, फर्स्ट जो लिंक शो हो रहा है ना इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इनका जो मेन पेज है जो इनका इंडियन ऑयल का वो आपके सामने आ जाएगा, और उसके बाद हमें क्लिक करना है इंडियन ऑयल फॉर करियर पर। क्लिक करने के बाद हमें अप्रेंटिसशिप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इनकी जो भी ये वैकेंसी रिलीज हुई है उसकी लिंक यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। जो ये फर्स्ट लिंक शो रहा है एंगेजमेंट एंड ऑफ अप्रेंटिस अंडर द फ्रेंडस डिवीज़न, उस पर हमें ऑनलाइन पर क्लिक करना, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना। तो इस तरह का पेज दोस्तों आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ये पीडीएफ जो मैंने शुरू में आपको दिखाई है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोड एज ए पीडीएफ फाइल कर सकते हो, और अच्छे से एक बार चेक करके जिस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन है इनमें से आपको एक कोई पोस्ट सेलेक्ट कर लेने दिया जिसके लिए आप कैपेबल हो, आप जिसको फिल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्ट कर लिया, अब ये जूम करके देख सकते हो। उसके बाद हमें क्या प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये जो मैंने पोस्ट सेलेक्ट की थी उसकी सारी डिटेल आपके सामने शो कर देगा कि किस किस एरिया में कितनी पोस्ट है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि हमें कौन सी उसमें चाहिए। तो सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रोसीड पर फिर से क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों अब यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक आपके सामने आ गया है, और
जो जो हमें इस चीज़ में चाहिए वो सब इन्होंने बता दिया है कि आपका एस सी एस टी हो जहाँ उसका सर्टिफिकेट फिल करना होगा और जो भी कुछ है वो। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं, तो इसके लिए हमें अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो सबसे पहले आपको ये इंट्रक्शन बताएगा कि क्या क्या ज़रूरी है, किस क्वालिटी के आपको फ़ोटोज़ चाहिए या कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करना है। ओके, ये अच्छे से एक बार रीड करके आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इनका जो फॉर्म होगा जॉब के लिए जो हमें फिल करना है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों ऊपर हम अगर चेक करेंगे अच्छे से तो हमारे पास ये पांच बॉक्स दिए गए हैं। जो इंट्रोडक्शन था हमने चेक कर लिया, वो चेक हो गया है ना। इसके बाद हमें पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फीस डिटेल तो और सबमिशन लास्ट, ये पांचों बॉक्स हमें पूरे फिल करने हैं। वो आपको यहाँ से फिल करके मैं बता देता हूँ। जैसे हमें फर्स्ट नेम जो भी डिटेल उन्होंने मांगी है वो हमें फिल कर देनी है, और ऐसे यहाँ पे फोटो अपलोड कर देनी है सिग्नेचर की, यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अच्छे से एक बार फिल करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हमें आ जाएंगे क्वालिफिकेशन पे, जहाँ पे हमें अपने सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोज़ अपलोड करनी होती है। इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके हमें अपलोड करनी होगी। और उसके बाद हम अगर जनरल कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी, तो आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर एससी एसटी से हो तो आपके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद लास्ट जो हो सबमिशन, एक बार फिर अच्छे से फॉर्म चेक करके आप ये फिल कर दोगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलो मैं फॉर्म फिल करके तो नहीं दिखा सकता बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट फिर भी आपको किसी बात की ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फॉर्म फिल करने की पूरी डिटेल्स आपको बता दूंगा। और हमारे चैनल पर बने रहिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।